बड़ी चाइना प्रदर्शनी, जी हाँ, बॉम्बे कनेक्शन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 17 से 19 दिसंबर 2018 तक 3 दिवसीय सबसे बड़ी चाइना सोर्सिंग B2B प्रदर्शन चाइना होम लाइफ मशीन एक्स इंडिया 2018 का यह देखो भव्य उद्घाटन मुंबई के गोरेगांव स्थित प्रदर्शन केंद्र में हुआ। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में चाइना के लगभग 2000 से अधिक सर्वश्रेष्ठ सप्लायर भारत में कारोबार करने की इच्छा से भाग ले रहे हैं। वह सस्ते कीमत में उत्तम सामान भारतीय बाजारों में उपलब्ध कराएंगे। आइए सुनते हैं इस मौके पर चाइना और भारत के तरफ से उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनिए। एग्जीबिशन होम लाइफ मशीन एक्स एक्सपो ये 3 डेज का इवेंट है। घर पे ऑलमोस्ट 1500 प्लस एग्जीबिटर्स आया है टू शोकेस देयर मशीनरीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल से शुरू करके देर आर ऑटो, गारमेंट्स, फर्नीचर एंड अदर्स ऑल्सो टेक्सटाइल एंड अदर देन दैट 30,000 प्लस प्रोडक्ट्स विल बी शोकेसिंग ऑन दिस इवेंट एंड this will be a great for India and China to make their trade happening in this event. Opening of the exhibition, China, India, home appliance and also the machinery. This is a big deal for China and India. In the past, the exhibitions are just about home appliance. Now we have machinery. It shows the manufacturing, which is a good tendency for our two countries to work together. We are now in the right time. I'm happy to share with everybody that we are seeing growing Chinese-Indian business and more importantly cultural exchanges, which will lay a solid ground foundation for long-term cultural, economic and social cooperation between China and India. Thank you. सर आपका हिंदी में? हाँ, तो मैं सीआईआई की तरफ से बोल रहा हूँ। हम लोग मध्यम और छोटे बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हूँ मैं, और ये सीआईआई यहाँ नेशनल पार्टनर है चाइना होम लाइफ और मशीनरी एग्जीबिशन का। और ये हमारे चाइना के कौंसल जनरल अभी बोल रहे थे, सीआईआई चाहता है कि ऐसे हमारे ट्रेड बढ़े। हालांकि अभी हमारा ट्रेड चाइना के हित में है, 80 बिलियन डॉलर से में हम सिर्फ 13 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि चाइनीज कंपनीज इधर आए और निवेशन भी करें, क्योंकि वो उच्च दर्जे की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन और मैनपावर ला रहे हैं। आज जो बी2बी का एग्जीबिशन लगा हुआ है, कितना फायदा होगा, क्या लगता है आपको? 600 कंपनीज आई हैं, चाइनीज कंपनीज इधर सिर्फ बेचना ही नहीं चाहती हैं अपने प्रोडक्ट्स, अभी वो अंदर बात कर रहे थे कि वो मशीनरी भी बेचना चाहती हैं, क्योंकि ये मेक इन इंडिया में हम लोग को अभी ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने हैं 3-4 साल में 5 साल में। तो हम ये प्रोडक्ट्स जो इधर दिख रहे हैं आपको एग्जीबिशन में, ये सब इंडिया में बनने चाहिए थोड़े दिन में। तो ये मशीनरी भी हमको खरीदनी होगी और फिर हमको इधर इंडिया में बनाना होगा। तो ये टेक्नोलॉजी हमको चाहिए चीपर और किफायती प्रोडक्शन के लिए। नहीं, ये अभी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए। हम लोग डरते हैं थोड़ा टेक्नोलॉजी की वजह से, वो अब थोड़ा कम है, थोड़ा पॉलिटिकल डर भी है, पर ये धीरे धीरे कम होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रीमियर ने बोला है कि हमको आपस में और बढ़ाना है, जिससे कि हम तीसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकें। आज इंडिया का समय है, क्योंकि चाइना पर थोड़ी ड्यूटीज भी लग रही है यूएसए में, तो इंडिया अगर प्रोडक्शन बढ़ा दे तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। इतना तो अभी नहीं है, चाइना की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और चाइना का आइटम कुछ ऐसे बोलते थे और बोलते भी हैं, पर कई चीज़ें जो अब हम खरीद रहे हैं ये मेड इन चाइना है और अच्छी क्वालिटी की भी है। और ये हम मेरी खुद की फैक्ट्री में चाइनीज मेड मशीन्स मैं खरीद रहा हूँ, जो कि पहले हम यूरोप से खरीदते थे और उससे हम पार्ट्स टाटा और महिंद्रा को भी बनाते हैं। तो मैं ये अब चेंज कर रहा हूँ।